ये कर्नाटक का सिरसी में सहस्रलिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ सहस्रलिंग है इस पानी में, पत्थरों में। शिवरात्रि के दिन में पूजा भी किया जाता है। बहुत प्रशांत जगह है, मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ हमेशा आकर के इस पत्थरों में, इस शिवलिंग के सामने मुझे बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी कभी आया करती हूँ। पहले गुरु थे डॉक्टर बिंदु माधव पाठक जी, वो रुद्रवीणा भी बजाते थे। तब मुझे पता चला कि एक इंस्ट्रूमेंट है रुद्रवीणा। इसका साउंड जो है डीप साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे हार्ट को टच किया। तो मैंने गुरु जी को बोला मैं सीखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला सितार सीख रही हो, अच्छा है, उसी को सीखो। और मैं वैसे सिखाता भी नहीं हूँ लड़कियों को। पापा ने उनसे बात किया, गुरु जी ने बोला बहुत जिद करी है बहुत दिन से, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। मेरे पास लड़के सीखते हैं, वही थक जाते हैं 10 मिनट को, तो ये क्या बजा पाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं, एक नाटक ड्रामा चलाते हैं, आप हम दोनों के बीच में रहें, उसको पता नहीं चले कि मेरे पास एक पुराना रुद्रवीणा पड़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत उसको ठीक करता हूँ, वो उसके हिसाब से ठीक रहेगा, छोटा सा है, तो उसके हाथ में एक दिन दे देते हैं, तो उसमें वो शायद बजा नहीं पाएगी, वो अच्छा नहीं बजता है। मुझे ये ड्रामा पता नहीं था, मेरा नज़र सिर्फ ये था कि मुझे सिखा रहे, मुझे सीखना चाहिए। बहुत खुशी हुआ। जैसे जैसे वो बताते एलिमेंट्री जो बात है बेसिक का, सब मैं ठीक से करती चली गई। तो 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, मैं बजाती चली गई। तो वो आखिर वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हार गए गुरुजी उस बारे में कि अरे इसको सिखाना चाहिए, बहुत मतलब कुछ अच्छा अगर रुद्रवीणा इसके हाथ में दे दे तो ये ज़रूर बजा पाएगी। तो उन्होंने बोला कि थर्ड डे मुझे बुलाया गुरुजी ने, और बोला आपके पापा को लेके आओ। तो मैंने बोला अभी शायद ये रिजेक्ट करेंगे, मेरे अंदर डर लगने लगा था। वो पापा आ गए तो उन्होंने बोला इसको एक नया रुद्रवीणा बना के दे दो, ये अच्छा बजा रही है।
हाँ नमस्ते, मैं ठीक हूँ। और कैसा चल रहा है वीणा का प्रैक्टिस? जितना आप चाहते हो उतना नहीं होता है पर फिर भी कुछ कुछ होता है, अच्छा ठीक है, कुछ 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 हो जाता है बीच बीच में। प्रथम मणि जो किया था बंदिश, आपको याद है? थोड़ा सा अच्छा अच्छा इसका क्या करूं? अच्छा, उसको करना है आपको, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए प्लीज। फास्ट हो गया, आपको स्लो कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। दा 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 दा। हाँ 1 2 3 4। ज्योति जी, मतलब एक कोई औरत है जो पूरी दुनिया में एक बजाती है, ये पहली बार पता चला, तो मैंने इमीडिएटली ईमेल किया, ईमेल का जवाब आया, तो मैंने कहा मुझे सीखना है, तो आपने बोला आ जाओ सीख लो, तो बस उधर से ही सीधा ऑस्ट्रेलिया से टिकट कटाई और सीधा आप ना जान ना पहचान जबरदस्ती का तू मेरा मेहमान, मैं आके आपके घर में घुस गई और मैंने कहा मैं पूरा महीना यहाँ हूँ, मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं वाली, मुझे वीणा सिखाओ। मेरा सीखने का जो कंफर्ट लेवल था वो हमेशा एक औरत से ही सीखने का वो था, प्लस दूसरा ये था कि मैंने सुना था कि रुद्रवीणा के जो जो टीचर्स हैं, जो जो मेल टीचर्स हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस पद्धति की कुछ ऐसी होती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था वो कहेंगे कि साल भर बैठे और साल भर बैठे सा बजाओ। अब मैं 40 साल की उम्र में मैं एक साल बैठ करके सा बजाऊंगी या 3 साल बज के सा बजाऊंगी, तो मुझे लगा था कि मेरी इस पोजीशन को शायद सिर्फ एक औरत ही समझ पाएगी, क्योंकि हम औरतों को बहुत मल्टीटास्क करना पड़ता है, घर भी चलाना है, काम भी करना है। ज्योति जी ने जब देखा कि ये सब ठीक है तो उन्होंने बस कहा बस अब शुरू हो जाओ, तो उन्होंने मेरी ऑलरेडी जो क्वालिटीज है उसके ऊपर उन्होंने बिल्ड किया, उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुरा ना माने कई मेल टीचर्स करते हैं।